प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी है। हाथरस कांड की एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। आपको ये भी बता दें कि एसआईटी ने 100 से ज्यादा लोगों के बयान लिए थे, सत्संग में तैनात पुलिसकर्मियों के भी बयान लिए गए थे और एसडीएम सिकंदराव के बयान भी दर्ज किए गए थे। फायर कर्मचारी और पत्रकारों के भी यहां पर बयान लिए गए थे। हाथरस कांड की एसआईटी ने अब जांच रिपोर्ट बनाकर प्रशासन को सौंप दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम इसके लिए गठित की गई थी जिसकी तरफ से अपनी रिपोर्ट प्रशासन को दे दी गई है। तो लगातार टीम की तरफ से छापेमारियां भी की जा रही थी और साथ ही साथ बयान दर्ज किए जा रहे थे उन तमाम प्रत्यक्षदर्शियों के जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। हाथरस हादसे के बाद से बाबा सूरजपाल फरार है, लेकिन इसी बीच उनके प्रवचन का एक वीडियो सामने आया। दावों के मुताबिक बाबा सूरजपाल इस वीडियो में खुद को भगवान बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। अगर मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्लेग भी पैदा कर सकता हूँ, मुझे आवश्यकता पड़ी तो मैं प्रलय भी ला सकता हूँ। हाथरस कांड के बाद अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिलने के लिए अलीगढ़ पहुंचे और राहुल गांधी ने घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्हें पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा जताया गया। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपने, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ, जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही? कुछ भी नहीं था वहाँ, बहुत लापरवाही है। उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया उनसे क्या मांगे, जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। तो अलीगढ़ में भी पीड़ितों से मुलाकात की और अब हाथरस भी पहुंच चुके हैं राहुल गांधी, यहां पर भी मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर मृतकों के परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए उन्हें सांत्वना देते हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। पहली तस्वीर हाथरस की है और दूसरी तस्वीर अलीगढ़ की है। दोनों ही जगहों पर उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी और साथ ही पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा उनकी तरफ से जताया। तो देख सकते हैं इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सुबह सवेरे ही आज पहुंच गए थे अलीगढ़ में और अब इसके बाद हाथरस पहुंचे। हाथरस की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ एसआईटी भी लगातार जांच में जुटी हुई है, लगातार अपने लेवल पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये दो तस्वीरें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की हम आपको दिखा रहे हैं जो कि मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी पहुंचे हाथरस के ग्रीन पार्क, पीड़ितों के परिजनों से कर रहे बातचीत। सुमित फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। सुमित, इस वक्त हाथरस में मौजूद है राहुल गांधी और मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं, कितनी देर तक यहां पर रुकेंगे कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं बिल्कुल अभी राहुल गांधी यहाँ हाथम ग्रीन पार्क में पहुंचे हैं, जहाँ चार परिवार हैं, चार परिवार मृतक के परिवार हैं, सभी से बातचीत कर रहे हैं, सबको सांत्वना दे रहे हैं। और राहुल गांधी यहाँ पर एक ग्रीन पार्क, एक छोटा सा कमरा है, उस कमरे के अंदर पूरी व्यवस्था की गई है, उस कमरे के अंदर परिवारिक जनों से राहुल गांधी बात कर रहे हैं और राहुल गांधी मृतक के परिवारिक जनों को सांत्वना दे रहे हैं और पूछ रहे हैं पूरी घटना के क्रम में कि किस किस तरह से वहाँ घटना हुई थी, वहाँ कौन कौन मौजूद था, क्या व्यवस्थाएं थी, क्या अव्यवस्थाएं थी और किस कारण इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके कारण इतने लोगों की जान चली गई है। राहुल गांधी इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं और राहुल गांधी के साथ हाथरस के जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी हैं। सुरक्षा को लेकर पूरी पुलिस फोर्स तैनात है, हालांकि मीडियाकर्मियों को अंदर जाने से भी रोका गया है, लेकिन राहुल गांधी इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से अभी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अभी मुलाकात ये चल रही है। क्या यहाँ पर पार्टी की तरफ से भी कोई मदद देने का भरोसा दे सकते हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल, जो चार परिवार हैं हाथरस में, एक सिद्धार्थ नगर के पीड़ित परिवार है, जो महिला की मौत हुई है, चारों ही महिलाएं हैं जो मृतक हैं, उनके परिवारिक जन हैं, दो नवीपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और एक नाई के नगला क्षेत्र के रहने वाले हैं, चारों ही परिवार के लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी, अभी ये अनुमान लगाया जा रहा है जो पार्टी के कुछ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बात हुई है कि राहुल गांधी इनको राहत राशि की भी घोषणा करेंगे और अभी इनसे फिलहाल प्रायोरिटी है पीड़ित परिवार से हालचाल जानना, उनके आंसू पूछने का काम राहुल गांधी के द्वारा किया जा रहा है अभी, और उसके बाद पता चलेगा कि राहुल गांधी ने इनको क्या सांत्वना दी है। पीड़ित परिवार से बात करेगी निजी टीम भी। जब पीड़ित परिवार यहाँ पहुंचा था राहुल गांधी के आने से पहले, तो जब निजी टीम ने अपने उस परिवार से बात की थी तो परिवार ने साफ तौर से बताया था कि हम राहुल गांधी को उस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देंगे और देखेंगे इसमें उचित कार्रवाई हो, जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं लगातार, जहाँ पर हाथरस में मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार, जहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी, उन्हें ढांढस बंधा रखे हैं, उन्हें सांत्वना दे रखे हैं, हाथरस पहुंचे हुए हैं। इससे पहले सुबह सवेरे आपने देखा अलीगढ़ भी पहुंचे हुए थे, वहां पर भी उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से बातचीत की। हालांकि परिवार में अब गमगीन माहौल है और किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे सत्संग में जाने से ही भगदड़ मच जाएगी और उसके बाद इस तरह से इतने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। कुल मिलाकर 121 लोगों की जान गई है। तो ऐसे में कई ऐसे लोग हैं अलग अलग जिलों के, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के, लेकिन फिलहाल अलीगढ़ और हाथरस के जो लोग हैं जिनकी जान गई है, उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हुए, बातचीत करते हुए इस वक्त आप राहुल गांधी को देख रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें सांत्वना देते हुए, उनसे पूरी आप बीती जानते हुए, क्योंकि कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग ऐसे थे जिन्हें, जो साथ में जरूर गए थे वहां पर, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कोई बड़ा हादसा हो जाएगा जिसमें जान भी चली जाएगी। तो राहुल गांधी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कि घायलों के परिवार वालों से और मृतकों के परिवार वालों से, जो कि कुल मिलाकर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए हैं पीड़ितों से। और इससे पहले अलीगढ़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई, अब हाथरस की ये तस्वीर। सुमित फोनलाइन पर एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ। सुमित, जाहिर सी बात है कि परिवार में इस वक्त मातम पसरा होगा, परिवार इस वक्त गमगीन है, ऐसे में राहुल गांधी इनसे क्या बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, बता दूं परिवार में, पूरे परिवार में और परिवार के आसपास पूरे क्षेत्र में ही समय मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग पूरी तरह से इस घटना को लेकर अभी उभर नहीं पा रहे, पूरी तरह से भयभीत हैं। राहुल गांधी आज पूरे परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, चार परिवार हैं, राहुल गांधी इन पूरे परिवार से बातचीत कर रहे हैं और राहुल गांधी साफ तौर से इनसे पूछ रहे हैं कि किस किस तरह से ये घटना हुई थी, आप गए थे तो किस इस पूरे मामले में क्या हुआ था और उसके बाद किस तरह से वहां से शवों को निकाला था, क्या प्रशासन की इसमें लापरवाही है, क्या क्या इसमें लापरवाही है, और उनको सांत्वना देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने सबसे पहले वहां पहुंच के जितने पीड़ित परिवार हैं उनसे, उनके पास बैठे हैं, फर्श पर बैठ कर, नीचे जमीन पर फर्श पर बैठ कर उनसे बात कर रहे हैं और राहुल गांधी उनसे इस पूरे मामले में हालचाल जान रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरह से पूरी घटना हुई थी और आप कब से जुड़े हुए, कितने लोग यहाँ से गए थे, कितने लोग घायल हुए थे, कितने लोगों की मौत हुई है। पूरे मामले में राहुल गांधी पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं और बात करने के बाद राहुल गांधी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी की तरफ से इनका, उनको कुछ सहयोग भी किया जाएगा आर्थिक धनराशि के रूप में। जी बिल्कुल, तो इस वक्त ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रखे हैं अपने दर्शकों को, आप बने रहिएगा हमारे साथ सुमित। तो देख सकते हैं कुल मिलाकर चार परिवार हैं जिनके ये सदस्य हैं
जिनके परिवार वाले ये लोग हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं, और कुछ लोगों से ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो भी सत्संग में गए थे तो ऐसे में ये पूरा घटनाक्रम हुआ कैसे, ये भी समझने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी कर रहे हैं। साथ ही साथ सांत्वना देते हुए उन्हें हर संभव मदद का भरोसा पार्टी की ओर से जता रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चार परिवार जिसके लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। सुमित, कुल मिलाकर अलीगढ़ के कितने लोग थे जिनकी जान गई है इस हादसे में? सुमित, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। अलीगढ़ के कुल मिलाकर कितने लोगों की जान गई है? आपने बताया चार परिवार के ये लोग हैं जिनसे मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, हाथरस में लगभग 19 परिवार हैं जिनके हाथरस में जो मौत हुई है, लेकिन जिस क्षेत्र में राहुल गांधी पहुंचे हैं उस क्षेत्र के आसपास के चार परिवार ऐसे हैं कि जिनके परिवारिक जनों की पूरी घटनाक्रम में मौत हुई है, तो चार परिवार ही यहाँ इस पार्क में पहुंचे हैं और राहुल गांधी उनसे बात कर रहे हैं। अगर हम अलीगढ़ की बात करेंगे तो अलीगढ़ में राहुल गांधी पहुंचे थे, वहां पिलखुआ क्षेत्र में जितने परिवार थे उनसे राहुल गांधी से मिले थे, उनको सांत्वना दी थी इस पूरे मामले में और कुछ आर्थिक सहयोग की भी बात इसमें सामने आई है। वहीं उसके बाद राहुल गांधी लगातार इसमें हाथरस पहुंचे हैं और हाथरस में पीड़ित परिवार से एक ग्रीन पार्क में मौजूद जमीन पर बैठकर फर्श पर पीड़ित परिवार से हालचाल मामले में जान रहे हैं और साथ ही राहुल गांधी उनसे ये भी बात कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे घट गया, आप लोग पहुंचे थे, पूरी घटना की जानकारी भी राहुल गांधी पीड़ित परिवार से जुटा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, राहुल गांधी इस पूरे मामले में पार्टी के पूरे कार्यकर्ता इस पूरे मामले में लगातार पीड़ित परिवार के घर जाकर भी मिल रहे हैं और राहुल गांधी भी आज उसी क्रम में हाथरस पहुंचे हैं और पीड़ित परिवार से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये भी खबर न्यूज 18 को प्राप्त हो रही है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले में कुछ राहत राशि भी इस पीड़ित परिवार को दे सकते हैं। जी, इससे पहले हमने देखा कि अलीगढ़ में भी पहुंचे हुए थे राहुल गांधी और अब ये हाथरस की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 121 लोगों की मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में, जो हमने आपको बताया, जो भगदड़ हुई, जो हाथरस में हादसा हुआ, उसके बाद अब बाबा की कुंडली को खंगालने में भी SIT की टीम जुटी हुई है। SIT लगातार जांच भी कर रही है और अपनी रिपोर्ट भी प्रशासन को सौंप चुकी है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा था यहाँ पर सुमित, कि राजनीति इस मामले को लेकर नहीं होनी चाहिए, कई राजनेता ये कहते हुए नजर आए, अखिलेश यादव पर भी आरोप लगाए गए, तो ऐसे में राजनीति मामले को लेकर ना हो, ये सत्ता पक्ष के लोग कहते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, बिल्कुल, ये इतनी बड़ी घटना है कि इस घटना को लेकर पार्टी और शासन का साफ तौर से कहना था कि इस पूरी घटना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण, ये बड़ी घटना है और इस पूरे मामले में कोई भी पार्टी के लोग इसमें राजनीति ना करें और ये राजनीति करने लायक मसला नहीं है। वहीं राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार से आज सुबह अलीगढ़ भी मिले हैं और उसी क्रम में हाथरस भी पहुंचे हैं। और वहीं अखिलेश यादव को इस पूरे मामले से जोड़ा गया था, एक फोटो भी वायरल हुआ था ट्विटर का जिसमें राहुल और जिसमें अखिलेश यादव बाबा के कार्यक्रम में मौजूद थे। और वही प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में जनपद हाथरस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि सबको पता है कि बाबा किससे जुड़े हुए हैं, उस पूरे मामले में राजनीति ना की जाए तो अच्छा है। हालांकि अगर पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस इस पूरे मामले में एक्शन मोड में है, पुलिस ने कल 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी किया है जो इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक भी थे और सहयोगी भी थे, जो इस पूरे मामले में लापरवाही सामने आई थी, जो वहां पर जो घटना हुई थी उसकी समय ये सभी सेवादार मौके से और आयोजक मौके से भाग गए थे, इसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई। और उसके बाद हाथरस पुलिस ने 6 लोगों को जेल भेजा है और अभी भी हाथरस पुलिस ने इस पूरे मामले में एक शासन ने एक SIT बनाई थी, SIT ने इस पूरे मामले में अपनी लगभग 100 लोगों का बयान दर्ज करके और दर्जनों पन्नों की रिपोर्ट शासन को सौंपी है, जिसके आधार से अनुमान लगाया जा रहा है जिसके बाद कि इस पूरे मामले में शासन स्तर से भी कोई बड़ी कार्रवाई इसमें हो सकती है। हालांकि पुलिस अभी लगातार दबिश दे रही है, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद कई बाहर कई प्रदेशों के जनपदों में हाथरस पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं, आसपास के जनपदों की कई टीमें बनाई गई हैं जो इस पूरे मामले में प्रदेश भर के सभी जनपदों में और अन्य प्रदेश के जनपदों में भी दबिश दे रही है। और ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस ने कई लोगों को अभी भी हिरासत में रख रखा है जिनसे इस पूरे मामले में पूछताछ चल रही है। जी बिल्कुल, लेकिन कार्रवाई, जैसा कि आपने जिक्र किया कि पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या मृतकों के परिवार वाले इस कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट दिख रहे हैं या फिर वो भी कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं कि लापरवाही की गई वहां पर?
देखिए जितना पूरे मामले में पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार से बात हुई है, तो पीड़ित परिवार का साफ तौर से कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में वहां भीड़ मौजूद थी और प्रशासन ने प्रॉपर वहां पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है और जिस कारण से ये दुर्घटना घटी है। पीड़ित परिवारों का कई परिवारों का आरोप है कि अगर वहां पे व्यवस्था और दुरुस्त होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। इसको लेकर भी पीड़ित परिवारों ने ये आरोप भी लगाया है प्रशासन पे और ये मांग भी की है कि इसमें उचित कार्रवाई हो और अधिक से अधिक लोगों को जो है इसमें सजा मिले। जी ठीक है सुमित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। फिलहाल ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं एक बार। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा है जहां पर बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग परिजन उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भी हमने देखा लेकिन राहुल गांधी अभी इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। क्या वो बातचीत कर रहे हैं, ये थोड़ी देर में जब मीडिया से वो बातचीत करेंगे तब वो बताएंगे और तब ये जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी मृतकों के परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए इसके साथ ही परिवार के जिन सदस्यों को इस हादसे के बारे में जानकारी है उनसे भी पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं राहुल गांधी कि उन्हें क्या लगता है कैसे यह हादसा हुआ और उसके बाद प्रशासन की तरफ से की गई कार्रवाई से वो कितना खुश हैं। इन सभी बातों को लेकर बातचीत करते हुए राहुल गांधी को आप देख सकते हैं मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करते हुए। कुल मिलाकर चार परिवार हैं जिनके ये सदस्य हैं जो एक घेरा बनाकर बैठे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बाबा के खिलाफ कार्रवाई की जो मांग है उसे और पुरजोर तरीके से मुखर होकर उठाने की भी यहाँ पर राहुल गांधी उन्हें बात कर सकते हैं कि हम इस बात को पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और दूसरी चीज़ राहुल गांधी की तरफ से पार्टी लेवल पर कोई राहत राशि का भी ऐलान करने की बात यहाँ पर हो सकती है ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अभी तक वो अलीगढ़ गए थे, अलीगढ़ में भी उन्होंने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद अब हाथरस पहुँचे हैं। हाथरस के भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके सदस्यों ने जान गंवाई है और उनसे मुलाकात करते हुए बातचीत करते हुए इस वक्त राहुल गांधी को आप देख रहे हैं। तो दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, इससे पहले अलीगढ़ की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी वहां पर जिन लोगों की जान गई थी उनके परिजन रो रोकर बेहाल हो चुके थे, मातम पसरा हुआ था घरों में। और यहां पर ये जो चार परिवार है इनके कुछ सदस्यों को बुलाया गया और उनसे बैठकर बातचीत की जा रही है। तो जिन लोगों को घटना की जानकारी है उनसे जान रहे हैं राहुल गांधी इस पूरे घटनाक्रम को और साथ ही साथ उन्हें ढांढस बंधाते हुए सांत्वना देते हुए। और इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो साथ में इस सत्संग में गए हों लेकिन थोड़ा घायल होने के बाद ही या फिर साइड से ही वो वापस लौट आए हों, तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम को होते हुए देखा जिसमें उनके परिवार के सदस्यों की जान चली गई। सुमित हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे एक बार फिर से लेते हैं। सुमित आप बता रहे थे कि यहाँ पर सहायता राशि को लेकर भी कोई ऐलान राहुल गांधी कर सकते हैं। फिलहाल अभी वो जो दिख रहा है जो यहाँ पर सभी के एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि मानो वो सामने वाले से आप बीती सुन रहे हो कि कैसे ये घटनाक्रम हुआ, क्या वहाँ पर इतने पुलिस के अधिकारी मौजूद नहीं थे, क्या वहाँ पर सिक्योरिटी के लिहाज से किसी तरह के इंतजामों में कमी थी, उनसे पूरी आप बीती सुनते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। सुमित जो लोग दोषी पाए जाएंगे जिनका लगेगा कि राहुल गांधी आप देख सकते हैं समय रहते बताना चाहिए था, इतना बड़ा आयोजन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे हुए हैं, तो ऐसे वो तमाम जो एक्शन होने हैं वो आज हो सकते हैं और विश्व नजर आ रहे हैं। और आप साफ देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि राहुल गांधी पूरे परिवार से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जब परिवार के लोग बाहर के सत्संग में जाते थे, प्रवचन सुनने के लिए जाते थे, तो कैसी व्यवस्था वहां हुआ करती थी, पुलिस की कितनी व्यवस्था वहां पर गठित हुई है जिस कारण ये इतने लोगों की मौत चली गई है। राहुल गांधी साफ तौर से उनसे बात कर रहे हैं, पूरे मामले में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और साथ ही उनको सांत्वना देते हुए भी नजर आ रहे हैं राहुल गांधी वहां पर। और आप देख सकते हैं कि हमें सूत्रों के हवाले से ये भी खबर प्राप्त हुई है कि राहुल गांधी जो है पूरे परिवार से बात करने के बाद कुछ राहत राशि के रूप में भी उनकी घोषणा कर सकते हैं। जी ठीक है सुमित, आप नजर बनाए रखिए। और फिलहाल ये तस्वीरें दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं जिसमें राहुल गांधी
पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। जो मृतक हैं उनके परिजनों से मुलाकात और बातचीत जारी है। वक्त